नमस्कार, रागिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं बेहद प्रतिष्ठित गुंदेचा परिवार के सदस्यों से। ध्रुपद का जब भी नाम लिया जाता है, ध्रुपद गायकी का जब भी नाम लिया जाता है, बहुत ही इज्जत और बहुत ही प्यार से नाम लिया जाता है गुंदेचा परिवार का। बहुत ही मजबूत सशक्त नाम है ये। और हमारे साथ हैं उमाकांत जी और स्वर्गीय रमाकांत जी के बेटे अनंत जी। ये दुर्भाग्य है संगीत रसिकों का कि कुछ वर्ष पहले रमाकांत जी का निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद जोड़ी जो बनी वो उमाकांत जी के साथ उनके भतीजे अब गाते हैं। तो पहले तो बहुत ही विनम्रता से आप दोनों लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पंडित जी, मेरी ये इंटरव्यू जब से शुरू हुआ है तब से एक प्रश्न हर इंटरव्यू में मैंने जरूर पूछा है, और दरअसल वो प्रश्न इसलिए पूछता हूं मैं कि उस प्रश्न के बहाने जो जवाब आए उससे इस देश के जो बच्चे हैं उनको समझ में आए कि बचपना कैसा होता है बड़े कलाकारों का। तो आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अपना जो बचपन के गलियारे आपको याद आते हो, बचपन की जो यादें याद आती हो वो हमसे साझा कीजिए। बचपन का तो बहुत ही अच्छी अच्छी यादें हैं, बहुत क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि गोल्डन मेमोरीज हैं बचपन की। तो और हर व्यक्ति का बचपन जो है वो गोल्डन मेमोरी से भरा होता है, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। हमारा बचपन उज्जैन में बीता, उज्जैन में हम पैदा हुए, वहीं हमारी परवरिश हुई, हम पढ़े हुए, हमारी एजुकेशन, हमारा कॉलेज वॉलेज सब उज्जैन में हुआ। तो उज्जैन हमारी जन्मभूमि है और वहाँ एक से एक यादें हैं। मैं आपको बताऊं तो शायद इसी में पूरा समय निकल जाएगा। हम जब थोड़े से बड़े हुए और दोनों भाई साथ में गाते थे, गाने का यही जैसे फिल्मी गाना है या भजन है या इसी तरीके से घर में बच्चे बच्चे लोग गाते हैं, वही वैसा ही हम लोग भी गाते थे। तो पिताजी ने सोचा कि इनका गाना अच्छा हो थोड़ा सा, तो इसके लिए शास्त्रीय संगीत इनको सिखवाना चाहिए। तो फिर हम लोगों को शास्त्रीय संगीत के लिए जो माधव संगीत महाविद्यालय है वहाँ हम लोगों को उन्होंने भर्ती कर दिया। लेकिन ये जो हमारा संस्कार है, ये जो हमारे हमारी अपनी जो परंपरागत जो संस्कार हमको मिले वो तो हमारे उस्ताद से मिले हैं, लेकिन जो बचपन में जो हमने देखा और सुना उसका हम पर बहुत गहरा प्रभाव है। और वो गहरा प्रभाव इस तरीके से है कि कैसा भी कार्यक्रम हो, चाहे नाटक हो, चाहे किसी का कविता पाठ हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, तो वो सब जो है वो हमारे पिताजी हमको सुनाने के लिए ले जाते थे। वहां पर एक बहुत ही फेमस, हर वर्ष आज भी कालिदास समारोह होता है जो दीपावली के 11वें दिन से शुरू होता है। तो सारे जितने भी नाटक होते थे उस समय तो संस्कृत में ज्यादा होते थे, तो वो दिखाने के लिए ले जाना। तो ये एक ऐसा पिताजी की ओर से हमको, मैं सोचता हूँ, बहुत बड़ी देन कि उनको संगीत से प्यार था, उनको शास्त्रीय कलाओं से प्यार था, किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज में हमको ले जाते थे। और वो हमारे ऊपर उनका बचपन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सब जो है बचपन में जो हमने देखा सुना वो आज हमारे काम में आ रहा है, सुनहरा होता है। दूसरा, उज्जैन में छोटे छोटे संगीत की बैठकें, नारायण जी, पंडित प्रमोद त्री, पंडित रमाकांत जी दुबे, जिनसे हमारी प्रारंभिक तालीम हुई उज्जैन में, तो ये छोटी छोटी जो बैठकें वहां पर होती थी शास्त्रीय संगीत की, उसमें हमारा जाना होता था। और एज ए क्या कहेंगे, बच्चों के रूप में हमारा या छात्र के रूप में हमारा उसमें छोटा छोटा प्रदर्शन होता था। तो वहां जो हमको प्रोत्साहन मिलता वो आज भी हमको आह्लादित करता है, क्योंकि ये जो यानी बचपन एनकरेजमेंट मिलता है किसी भी चीज से, वो मुझे लगता है कि वो एनकरेजमेंट आज किसी भी पुरस्कार से बड़ा है। तो ये
ऐसी छोटी छोटी यादें वहां पर उज्जैन की हैं जो हमको आज भी जब हम सोचते हैं तो रोमांच हो जाता है, आह्लादित हो जाते हैं हम लोग। पंडित जी, बचपन की बातें चल रही हैं और हमारी पीढ़ी जिन कलाकारों को, यानी भाई, जो दो भाइयों की जोड़ी के तौर पर राजन साजन जी हो गए, आप हो गए, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब हो गए, और इन सब ने बचपन में शैतानियां भी की हैं, तो आपने अपनी शैतानी वाला हिस्सा तो बताया ही नहीं। देखिए, बचपन का अगर शैतानी नहीं हो तो फिर बचपन कैसा। बिल्कुल, तो वो तो बहुत लाजमी है वो। मतलब बचपन तो शैतानियों से ही भरा होता है। शैतानियां हम लोगों ने भी की है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जब हमको कोई पिक्चर देखना होती थी और घर से हर बार तो आप पिक्चर के लिए हाँ नहीं करवा सकते, लेकिन पिक्चर देखने का शौक था, अपने पसंदीदा कलाकारों की पिक्चर आई है तो देखना ही है। तो होता यह था कि शाम का वही समय एग्जैक्ट संगीत विद्यालय का भी होता था, तो हम कहते थे कि हम संगीत विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन हम जाके थिएटर में बैठ जाते थे और पिक्चर देख के, और कभी लेट भी हो गए तो कहते थे अरे आज वहां थोड़ी बातचीत हो, क्लास थोड़ी ज्यादा खींच गई और बातचीत हो गई और खड़े हुए थे वहां पर, ये करके कुछ तो भी बहाना बना करके ये। लेकिन माँ हमारी पहचान जाती थी। माँ, अच्छा माँ कैसे पहचानती, ये भी आपको बड़ा बड़ा ताज्जुब मैं बताता हूँ कि क्या होता, थिएटर में सिगरेट विगरेट पीते थे लोग, बीड़ी पीते थे, तो हमारे शरीर के कपड़े से उनको सुगंध आते आ जाती थी कि ये, अच्छा उनको मालूम है कि बीड़ी सिगरेट तो पीते नहीं है, तो वो बोलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन फिर अगर दो तीन दिन बाद बातचीत में फिर वो बता देती थी कि बेटा तुमने उस दिन झूठ बोला, तुम गए थे कहीं और तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे कपड़ों से जो है बीड़ी सिगरेट की वास आ रही है, तो तुम तो पीते नहीं हो, तो तुम ऐसी जगह पर गए थे जहां ये सब हो रहा था, तो बताओ सही सही कहां गए थे। तो हम फिर बोलते कि नहीं, हम उस दिन पिक्चर गए थे, तो फिर माँ भी बताते। पिताजी तो हमारे बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे, बड़े गुस्से थे, तो उनके सामने तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा पंडित जी, एक चीज और, इस इंटरव्यू के बहाने हमको मौका मिलता है कि हम आपसे आपके गुरुओं के बारे में जानें और उनको याद भी करें आज, तो ये सवाल मेरा आपसे भी है और ये सवाल मेरा आनंद से भी है। आप दोनों लोग अपने अपने गुरुओं के बारे में बताइए, उनकी यादें हमसे साझा कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो हम भी नहीं है, और हम नहीं है तो अनंत और हमारे आगे की पीढ़ी भी नहीं है। तो ये तो गुरु का जो स्थान है वो इसी सेंटेंस में आप समझ जाइए कि लाइफ ही कुछ नहीं है। गुंदेचा बंधु, अगर उनके गुरु को उनकी जिंदगी में से निकाल दिया जाए तो गुंदेचा बंधु जीरो है, गुंदेचा फैमिली जीरो है, क्योंकि जो कुछ भी पहचान है वो ध्रुपद से, और ध्रुपद की तालीम हमको हमारे उस्ताद से मिली। जब हम 1981 में उस्ताद के पास आए ध्रुपद सीखने के लिए उज्जैन से यहाँ भोपाल, तो हमको बिल्कुल भी कोई ऐसी, यानी हमको किस स्थितियों से गुजरना पड़ेगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। भाई ध्रुपद सीखना बस ये एक जुनून था कि हाँ भाई हमें ध्रुपद सीखना है, और हमको स्कॉलरशिप मिली थी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, तो हम बड़े खुश थे कि चलो अपने को घर से खर्चा नहीं लगेगा और अपन अपने पैरों पे ही खड़े होकर के और ये करेंगे। तो हम जब भोपाल आए तो जब हमारी तालीम शुरू हुई, तो जब तालीम शुरू हुई तो बहुत दिनों तक, महीनों तक हमारे सिर्फ पलटे चले। अब पलटे चले तो हमको ये लगे कि यार ये कब तक, सारे गमों पर देने से सने धबो मगर ऐसा। और उस्ताद एक ऐसी चीज होता है कि आप उनसे ज्यादा प्रश्न कर नहीं सकते। उन्होंने कहा ये करो तो करो, बस ज्यादा पूछने का नहीं, बात करने का नहीं, और आपने अगर पूछा तो अलावा डांट के और कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग बस रियाज करते,
उसके बीच में मैं ये सुनने वालों को ये भी बता दूं कि देखिए जब ये साधना का समय होता है, रियाज, जब आप किसी अच्छे गुरु के अंडर में जब आप रियाज करते हैं, बोरिंग भी होता है, आपको मोनोटोनस लाइफ होती है कि बस दिन रात लाइफ में आपको बस वही संगीत ही करना है, सुबह शाम आपको रियाज करना है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, लेकिन इन सब से पार पाते हुए आपको वो काम करते रहना है, तभी वो नैया आपकी उस पार जाती है, और नहीं तो बीच में डूबना पर पक्का है। तो ये हमारे उस्ताद के साथ भी ये कि उन्होंने बस जो कह दिया तो आपको करना है, तो पूछना नहीं, तो देखिए वो आज काम आ रहा है, और उस चीज का रिजल्ट उस समय तो हमको नहीं दिखता था, लेकिन उसके 5 साल बाद 10 साल बाद हमको वो जो उन्होंने करवाया उसका रिजल्ट हमको उसके बाद देखने को मिला, तो हमने तब रियलाइज किया, यानी कब जो चीज हमने की उसके 10 साल बाद हमको उसका रियलाइजेशन हुआ कि अरे यार उस्ताद ने ये करवाया तो देखो आज उसका ये फायदा है, उस्ताद ने ये बात कही थी देखो अपन ने इसको किया तो आज इसका ये फायदा है। ये उस्ताद लोग ही जानते हैं कि बेटा ये करेगा तो इसका इसका आगे जा करके इसको ये फायदा होगा, लेकिन वो कहते नहीं, वो कहते बस आपका काम है करने का, आपको बोल दिया करिए तो करिए। तो ये हमारा अनुभव उस्ताद के साथ रहा। बहुत सारे अच्छे अनुभव, मतलब अच्छे अनुभव का मतलब ये होता है कि एक उस्ताद हमेशा उस्ताद नहीं होता है ना, एक क्योंकि हमेशा उस्ताद रहेगा और हमेशा मैं चेला रहूंगा तो एक बोरिंग संबंध स्थापित हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। एक उस्ताद उस्ताद कब है, जब वो सिखा रहे हैं, इसके बाद वो पिता का भी रोल निभाते हैं, इसके बाद वो मित्र का भी रोल निभाते हैं, दोस्त के रूप में भी वो बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होती है, चुटकुलेबाजी होती है, घूमना फिरना होता है और हंसी ठहाके होते हैं, ये सब भी होता है। तो उस्ताद के सारे रंग हमको देखने को मिलेंगे, यानी कभी बैठे हैं तो हंसी मजाक हो रही है, कभी पुराने पुरानी किस्से कहानियां हो रही है, चुटकुलेबाजी हो रही है, लेकिन सिखाते वक्त तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके बस वो जान ही नहीं निकालेंगे, इतने स्ट्रिक्ट होते थे, और जरा सा कुछ छोटे उस्ताद तो थोड़ा हमारे वो कुछ गाली वाली भी बकते थे, बड़े उस्ताद ने तो कभी गाली नहीं दिया, लेकिन छोटे उस्ताद तो माहिर थे गाली देने में भी, तो वो सीधा ही जो है आपके पुरखों को याद करते हुए आपको तुरंत जो है डांट लगाते थे। अनंत आप कैसे याद तो करेंगे अपना, लेकिन 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 वो सब डांट, वो प्यार, वो दुलार, वो रियाज, वो सब जो है वो हमारी जिंदगी को बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल, हमारी जिंदगी को गढ़ रहे थे, उसका वो एक एक सिस्टम था जो वो हमारे साथ उन्होंने यूज किया, या हर गुरु अपने शिष्य के साथ करता है, तो वो सब हमारे जिंदगी में अच्छाई के लिए ही काम आया। और हम तो कहते हैं कि अगर उस्ताद नहीं होते तो हम भी नहीं होते, जैसा मैंने सबसे पहले कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनंत आप कैसे याद करेंगे आप अपने गुरु को? जी पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुओं के घर में ही पैदा हुआ, बिल्कुल, जो कि उनके एक्सपीरियंस से उल्टा है, उनको ढूंढना पड़ा अपना गुरु, फिर गुरु ने उनको अपनाया, फिर उन्होंने हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरुओं ने शुरुआत से मेरी ट्रेनिंग मुझे पता चलने के पहले चालू कर दी, और वो सिर्फ फिजिकली रियाज करने का ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो अच्छी बात यह है कि जैसा कि वो बता रहे हैं कि बड़े गुस्से थे छोटे उस्ताद, जैसे आपके हमने किससे भी सुने हैं, हमारा ठीक उल्टा उसका तालीम ही है कि कभी रियाज करने का नहीं बोला, ना कभी
गाना गाओ या तुम्हें ध्रुपद करना चाहिए, ये तक नहीं बोला कि तुम सीखो ध्रुपद। बचपन से जितना माहौल में रहे, प्रोग्राम में जाते रहे, बचपन से ही स्टूडेंट्स रहते थे घर पे ही और आना जाना बना रहता था, तो एक संगीत के माहौल में हर तरह के कलाकार से बचपन से मिलना, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो ख्याल के हों, चाहे वो नाट्य संगीत हो, कोई सा भी संगीत हो, कलाकार का आना जाना बना रहता था, तो उस माहौल में हमें काफी कुछ अपने आप सीखते गए बिना जाने। फिर कुछ समय के बाद जब मुझे खुद को लगा कि ये चीज मेरे लिए, मेरा इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, फिर मैंने आगे लिया, फिर उन्होंने अपने आप एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग तालीम चालू करी और फिर उसका सिलसिला ऐसा चालू हुआ। और एक बात जो सिमिलर है वो ये है कि हमारे यहाँ किस्से कहानियां और मेमोरीज बहुत सारी पास ऑन होती हैं, तो उन्होंने देखा हुआ था कि हम जब सीख रहे थे तो हमने क्या क्या कठिनाई झेली थी, या हमने कहाँ कहाँ पे वो स्ट्रगल करके वो बात समझ में आई, तो वो जो छोटी सी बात उनको सबक बाद में जाके खुला, उन्होंने वो वापस से उतने बड़े को और समा के हमें छोटा सवाल दिया कि ये इस बात को समझिए। तो वो जो जनरेशन जनरेशन पास ऑन होते होते कहानी किस्सों के द्वारा, चीजों के द्वारा, संगीत के द्वारा, अलग अलग तरीकों से जो ट्रेनिंग और दिमाग का विकास करा है गुरुजी ने, दोनों गुरुओं ने, तीनों गुरुजी हैं मेरा, वो काफी अद्भुत है, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्या हो रहा है, मगर वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जैसा आप उसके अंदर रह रहे हो और अपने आप धीरे धीरे आप समझते जा रहे हैं चीजों को, आपका परसेप्शन इम्प्रूव होता जा रहा है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि गुरु शिष्य की बात हम बहुत विस्तार से कर रहे हैं, एक अच्छे शिष्य में आपके हिसाब से क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा शिष्य आप किसको मानते हैं? एक अच्छे शिष्य में दो तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो गुरु के प्रति समर्पण और रियाजी। शिष्य जो है वो, मतलब मैं संगीत की दृष्टि से बोल रहा हूं कि डेडिकेटेड होना चाहिए संगीत के प्रति, गुरु के प्रति, और रियाजी होना चाहिए उसको। जब डेडिकेशन में रियाज अपने आप एक तरीके से इंक्लूडेड है, वो कि अगर वो डेडिकेटेड है तो रियाज तो करेगा ही, तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा अगर रियाजी है तो एक गुरु को भी उसको सिखाने में एक आनंद आता है। अगर कोई अच्छा शागिर्द मिले तो गुरु के लिए भी वो एक, मैं कहता हूँ, भगवान की तरफ से सौगात है। और अच्छे गुरु और अच्छे चेले का संयोग भी एक दुर्लभ संयोग है, और ये ऊपर से ही, जैसे शादियों के लिए कहा जाता है कि शादियों के जोड़े ऊपर से भगवान बनाता है, मैं गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी कहूंगा कि अच्छे शिष्य और अच्छे गुरु का भी जो जोड़ा है वो भगवान ऊपर से बना के भेजता है। और ये डेडिकेशन जो है, ये उस शागिर्द में अगर है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है, और यही जो बात है ये उसको आगे बढ़ाती है। पंडित जी, अब इंटरव्यू में और आगे बढ़े उससे पहले विनम्रता से गुजारिश करूंगा कि कुछ हमें सुनाइए भी, थोड़ा संगीत भी हो इस इंटरव्यू के दौरान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना बिना संगीत के क्या सूखा सूखा है इंटरव्यू जी। तो देखिए, हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने पुरानी जो हमारे मध्ययुगीन जो कवि हैं पुराने, उनकी कविताओं को हमने गाया है। तो कबीरदास जी का एक पद छीनी छीनी चदरिया, जो ध्रुपद स्टाइल में हम लोगों ने कंपोज किया है राग चारुकेशी में और ताल सूल ताल में, वो हम आपको सुनाते हैं। Thank you.
हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा की। आपने भी कहा कि कोई ऐसी जकड़न नहीं थी कि सीखना ही है या ध्रुपद ही करना है, लेकिन सीरियसली कहें या ये कहें कि विधिवत तालीम जब ये तय, एक तो हुआ कि अननोइंगली आप बहुत सारी चीजें सीखते चले गए, लेकिन जब ये तय हो गया, वो उम्र कौन सी थी जब तय हुआ कि हाँ आप सीखना है, इसको विधिवत अच्छी तरह से सीखना है, सिंसियरली सीखना है और उस डेडिकेशन से सीखना है जिसकी बात अभी पंडित जी कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। दरअसल क्या है कि हमारे पिताजी शुरू में हमें डॉक्टर बनना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि घर में एकाध कोई डॉक्टर होना चाहिए, तो हमको उन्होंने साइंस दिला दिया पिताजी ने। तो हमने 9th, 10th, 11th में साइंस किया, फिर कॉलेज भी गए तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हमने साइंस किया। बीएससी करने के बाद हमको ये समझ में आया कि डॉक्टरी अपने बस की नहीं, और ये बहुत अपने लिए, जैसे कहते हैं ना एक मुहावरा है, दिल्ली दूरस्थ, तो वही हमारे लिए डॉक्टरी थी। लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग शाम को, जैसा मैंने बताया,
हम लोग म्यूजिक कॉलेज जाते थे, शाम को रहता था, दोनों भाई जाते थे। और बीएससी के साथ ही मैंने बीम्यूज भी किया, बैचलर ऑफ म्यूजिक, वो मैंने मेरिट टॉप किया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। मैंने प्रथम स्थान के साथ वो किया था। तो फिर ये समझ में आया कि अब संगीत ही अपना भविष्य है और संगीत में ही अपने को आगे बढ़ना है। तो फिर हमने वो बीएससी छोड़ दिया, एमए इकोनॉमिक्स कर लिया करने के लिए कि भाई एमए करना है, चलो कर लेते हैं। तो हमने तुरंत 8 सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स से एमए किया, लेकिन अपना रियाज और बढ़ा दिया। हमारे जो वहाँ के जो गुरु थे, जिनका मैंने अभी नाम लिया शुरू में, पंडित रमाकांत दुबे, पंडित प्रमोद शास्त्री और मास्टर रामनारायण जीणा, ये हमको वहां पर प्रारंभिक तालीम दिए हैं उज्जैन में। तो उनके साथ हमारा और रियाज बढ़ गया। और फिर एक अपॉर्चुनिटी हमको तुरंत मिल गई, एमए जैसे ही किया तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद सीखने के लिए यहाँ पर ध्रुपद केंद्र खुला, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर हम दोनों भाई यहाँ आ गए और ये सीखने की ललक कि यार ध्रुपद करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी हम देख ही रहे थे कि हमको, क्योंकि जब हमने एमए किया तो एमए करने में क्या होता है, हर तरीके का थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट में आपको थोड़ी थोड़ी सारी विधाएं होती है, भजन भी गाना होता है, ठुमरी भी होती है, ध्रुपद भी होता है, ख्याल भी होता है, सारी चीजें होती है, तो तराना भी होता है, टप्पा भी होता है। तो जब हम एमए कर रहे थे तब हमको लगा कि ध्रुपद हमारे यहाँ की इतनी प्राचीन और इतनी अच्छी विधा है, तो अगर मौका मिले तो अपन जरूर सीखेंगे। और बस ये समझ लीजिए कि हमारे भाग्य से यहाँ पर ध्रुपद केंद्र खुला, हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर हम लोग यहाँ भोपाल आ गए। अनंत, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने तो आपके प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये हमने तुरंत बीएससी करने के बाद ये बात डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही हमारा भविष्य। अनंत, आपसे भी यही सवाल है कि आपने किस उम्र में तय किया कि अब ध्रुपद ही करना है? वैसे तो बचपन से सुनते हुए आया था मैं और हर समय अच्छा ही लगता था, मगर ऐसा सीखना है ये बचपन से सोचा नहीं था। या फिर मेरे ख्याल से कहेंगे थोड़ा सा टीनेजर का एक पीरियड होता है जब थोड़ा सा रिबेल करता है अपने आप मन के, अगर घर में ध्रुपद है तो ध्रुपद से कुछ विपरीत चले जाए। मगर भगवान की दया रही कि सही टाइम पे मुझे सद्बुद्धि आ गई और मैं उसको वापस से अप्रिशिएट करने लगा। और मेरे ख्याल से जब मैंने सोचा कि भविष्य में क्या करना चाहिए स्कूल में ही, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि जो भी चीज उठा रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बन रही थी। कि कुछ समय तक अच्छा लग रहा है, कोई गाना भी सुनते थे उस टाइम पे तो 10 बार सुना, 50 बार सुना, फिर बोर होने लगे, तो किसी भी चीज में वो आनंद बना नहीं रह रहा था। और उसी समय ये रियलाइज हुआ कि बचपन से वो एक ही राग सुनते हुए आए हैं बार बार, वो आज भी सुनने में बोर नहीं लग रहा है। और फिर धीरे धीरे उसके बारे में और सोचना चालू किया, तो मेरे ख्याल से 11th 12th जब तक स्कूल खत्म होने वाला था और सब आसपास के लोग कोई विदेश जाना चाहता है कॉलेज पढ़ने, कोई कुछ करना चाहता है, तो मैंने सोचा कि ये जो मुझे करना है उसके लिए मेरे यहीं पर घर के अंदर ही वो साधन है मेरे पास। और फिर मैंने उनसे, पापा लोगों से डिस्कस किया इस बारे में, उन्होंने बोला कि बस बढ़िया, और पता भी नहीं चला कब तालीम चालू हो गई, बस आज तक वही चली रही है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और बताइए, मैं ध्रुपद के जितने भी कलाकारों को जानता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात होती है और जितने भी कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं, आपसे एक सीनियर आर्टिस्ट के तौर पे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा जो संगीत प्रेमी लोग हैं, जो संगीत सुनने वाले लोग हैं, उनमें अब इतना पेशेंस नहीं है कि वो 2 घंटे 2.5 घंटा बैठ के एक राग सुनेंगे, वो अब बहुत क्विक चीजें होने लगी हैं, तो कैसे ध्रुपद का जो विस्तार है, जिस विस्तार से वो गाया जाता है, वो बचाने की जरूरत है या उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा? मतलब कैसे देखते हैं आप इसको, क्या पेशेंस है इतना लोगों में कि बैठ के आराम से ध्रुपद सुने? बिल्कुल बिल्कुल है, ये मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ
कि लोगों में पेशेंस नहीं है। आप आज की जो हमारी जो सांस्कृतिक जगत है, जो हमारे देश का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ध्रुपद के पहले से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, है ना। ध्रुपद के पहले से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी पारंपरिक जो हमारे यहाँ परंपरा जैसी चली आ रही, उसी परंपरा के साथ उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है। एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन जहां तक कट शॉर्ट का सवाल है वो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि परसों ही शिवरात्रि थी और हम लोग बनारस गाने को गए, तो बनारस में लगभग एक घंटा हम लोगों ने आलाप किया, तो लोगों ने बैठ के आराम से सुना और रात के 12 बजे हम लोग शुरू किए गाना और रात के 1:15 बजे तक, 1:15 बजे तक हम लोग गाए, लोग उसी तल्लीनता से सुना उन लोगों ने, और हमको भी बड़ा मजा आया गा करके। शिवरात्रि का समय था और रात का वो जो है समा बहुत ही, और गंगा का किनारा था, तो क्या कहने। तो ये जो बात है ये अक्सर हम लोगों को कहा जा रहा है कि क्या इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्या इसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो ट्रेडिशन है उसको आज इंडिया में तो उसको रिकॉग्निशन मिल ही रहा है, विदेशों में भी उसको एज इट इज रिकॉग्निशन मिल रहा है, बल्कि ज्यादा मिल रहा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है। आज हमारे यहाँ आप देखिएंगे कि हिंदुस्तान में सुनने वालों की संख्या भी बढ़ी है, आयोजनों की संख्या भी बढ़ी है, आयोजनों में ध्रुपद गायकों की शिरकत भी बढ़ी है, तो हर दृष्टि से इजाफा हो रहा है। ये इजाफा नहीं होता अगर ध्रुपद में अगर वो ताकत नहीं होती, उसमें अगर वो सस्टेन पावर नहीं होता, तो ये बिल्कुल उस ये बात नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह हर तरफ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है, सीखने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज इतने सारे युवा ध्रुपद की ओर आकृष्ट हैं, वो कर रहे हैं। मेरे अपने यहाँ जो है ध्रुपद गुरुकुल में, हमारे अपने ध्रुपद संस्थान में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, सारे लोग अपने अपने कामों को छोड़ करके यंग बच्चे वो ध्रुपद सीख रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं। तो ध्रुपद का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इसको उसी शिद्दत के साथ करेगी। और हमने एक और बात देखी कि जब से ये कोविड फैलना चालू हुआ और लोग अपने घर में बंद होने लगे, तो उस समय में भी कहीं सारे लोगों ने इस बात को रियलाइज किया, इस बात को समझा कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय विधाएं हैं, उनमें भले ही आदमी प्रोफेशनली ना करे मगर उसके प्रति उन लोग की सजगता और बड़ी है, उसको अप्रिशिएट करने की ताकत और बड़ी है। तो इसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप नई पीढ़ी के कलाकार हैं, आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लासिकल म्यूजिक में भी तमाम तरह की जैमिंग हो रही है, जुगलबंदियां हो रही हैं, खूब सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आपको लगता है कि आप उन एक्सपेरिमेंट से खुद को दूर रखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जहां पर जरूरत होगी वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जुगलबंदी भी करेंगे, लेकिन आधार उसका ध्रुपद ही होगा, आप कैसे देखते हैं इस कला? जी, मेरी जो सांकेतिक समझ है मैं उसको ध्रुपद के ही क्षेत्र में अपने आप को सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मैं ध्रुपद की दृष्टि से ही बाकी सारे संगीत को भी सुनने की आदत एक तरीके से वो तैयार हो गई है, तो ऐसा कोई परहेज तो मुझे नहीं लगता है कोई दूसरी विधा से कोलैबोरेट करने में, इंटरैक्ट करने में। मगर जब तक दोनों ही विधाओं की इंटेग्रिटी मेंटेन हो सके, दोनों ही विधाओं के कलाकार उन दोनों का एक दूसरे की कला को समझ पाए, उस गंभीरता को मेंटेन कर पाए, तो तब तक मेरे ख्याल से कोई कोलैबोरेशन करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई योग नहीं बना, मगर भविष्य में देखा जाए आगे। और देखिए, हम लोगों ने तो कई प्रयोग किए हैं और अभी इनके लिए तो शुरुआत है, पर हम लोगों ने कई कई प्रयोग किए हैं और हमने प्रयोग इस तरीके से किए हैं कि ध्रुपद का स्वरूप न बिगड़े,
ध्रुपद के स्वरूप को कायम रखते हुए हमने दूसरे अनुशासनों के साथ प्रयोग किए हैं, जैसे कथक हुआ है ना, जैसे कि जिसको बोलेंगे मॉडर्न डांस है ना, कंटेम्परेरी डांस, उसके साथ प्रयोग किया। हमने जो हमारे यहाँ जो शब्द गाए जाते हैं गुरुद्वारों में, वो हमने ध्रुपद स्टाइल में गाए। नई नई कविताएं, जैसा मैंने अभी बताया मध्ययुगीन जो हमारे कवि हुए हैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी, उनकी कविताओं को उनसे लेकर के आधुनिक समय निराला जी तक, जयशंकर प्रसाद हुए, निराला हुए, महादेव वर्मा हुए, इनकी कविताएं भी हमने कंपोज की और ध्रुपद शैली में गाया है। इसके अलावा जैसे कविता पाठ के बीच में आलाप चले और फिर कभी अपने कविता अपनी अपनी आवाज में कविता पाठ करें, फिर उनका इंटरव्यू, इस तरीके के भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं। राजेश जोशी जी हमारे यहाँ के बहुत बड़े कवि हैं, उनके साथ भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। और में भी बैकग्राउंड म्यूजिक में नर्मदा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उस फिल्म में भी बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह ध्रुपद पर दिया था। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था रागा ऑफ रिवर नर्मदा, जिसको कि रजत कमल पुरस्कार मिला था म्यूजिक के लिए, राजीव जांगले जी द्वारा वो निर्देशित थी जी। तो ये ऐसे कई प्रयोग हम लोगों ने किए हैं और हमें खुशी है कि हमने ये प्रयोग ध्रुपद के स्वरूप को बिना बिगाड़े उनके साथ हमने ये काम किया और लोगों ने पसंद किया। और हम ऐसा मानते हैं कि कला का अपने समय की दूसरी कलाओं के साथ उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। संगीत थोड़ा सा और हो जाए पंडित जी। जी जरूर जरूर। देखिए ये एक बंदिश है राग जोग में, जो रेयर ताल में है, यानी 11 मात्रे में है, और रुद्र ताल है 11 मात्रे की। ये एक प्रकार से दुर्लभ ताल है, रेयर ताल है। तो इसमें हम लोगों ने कंपोजिशन बनाया है, तो ये आपको सुनाते हैं राग जोग। बुद्धिदाता जाके कृपा
पालन कर सब जग त्राता प्रथम नाद सरस्वती प्रथम नाद सरस्वती जोगी जोगी मांगत जोगी जोगी मांगत सोही फल पावत सोही फल पावत सब गोनियन सब गोनियन को देतवे धाता प्रथम नाद सरस्वती प्रथम नाद सरस्वती प्रथम नाद राग जोग की इस कंपोजिशन के बाद मैं एक चीज और जानना चाहूंगा पंडित जी आपसे कि मोटे तौर पे जो हमने जाना है ध्रुपद को, जो समझा है कि ध्रुपद का जो आधार है वो सामवेद है, लेकिन उसके अलावा भी जो विषय वस्तु है उन विषय वस्तुओं के बारे में थोड़ा और आप विस्तार से बताइए। ध्रुपद के अलावा विषय वस्तु नहीं, ध्रुपद में जो चीजें आप गाते हैं, जो आप जो भी आपकी क्या कंटेंट है, उसका एक आधार तो सामवेद के श्लोक है, जो श्लोक वहां से उठाए गए हैं और गाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे आप भी अभी बात कर रहे थे कि आपने निराला को गाया, आपने कबीर को गाया, आपने जयशंकर प्रसाद को गाया, महादेवी वर्मा के आपने जिक्र किया, तो ये तो और क्या कोई और खजाना है जहां से ये कंटेंट निकलता है, यानी आधार विषय वस्तु क्या होती है? देखिए ध्रुपद का एक पारंपरिक स्वरूप है ना, वो स्वरूप है आलाप करते हैं हम, जोड़ करते हैं, झाला करते हैं, फिर कंपोजिशन गाते हैं और उसकी उपज करते हैं, उसके साथ पखावज बजती है, ये गायन तानपुरे के साथ होता है। ये एक ट्रेडिशन जो है ध्रुपद का रहा है, गाने का और प्रेजेंटेशन का। अब इसमें बहुत सारी चीजें समय समय पर बदलती रही है और ये बदलाव जो है ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। कैसे बदलती रही है? जैसे जब हम कहते हैं कि सामवेद, सामवेद से हमारा गायन निकला है, तो सामवेद में क्या था? सामवेद में तो चैंटिंग थी, यानी जो पद हैं उनको गाने का, उनको गाने का एक खास तरीका था और उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करते थे, और सामवेद चैंटिंग का गाना, साम गान, तो उसमें पदों का गायन होता था, है ना। साम गान का मतलब साम की जो जो वो ऋचाएं थी वो गाते थे। फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट ये हुआ कि उनको उन उन ऋचाओं के साथ साथ दूसरी चीजें गाने लगे, पहले तो सिर्फ वही होता था, दूसरे पद गाने लगे, भक्ति के, आराधना के, भगवान की स्तुतियों के दूसरे पद जो है वो गाने लगे, मंदिरों में गायन होने लगा, एक तरीके ये स्वरूप धीरे से बना। फिर उसके बाद जो है उस चीज को मेंटेन करते हुए फिर आलापचारी रागदारी शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद उस आलाप की बढ़त हुई, उसमें आया तो जोड़ और झाला भी उसमें जुड़ा, फिर बंदिश और उसकी उपज। अब आप ये देखेंगे कि साम गान के समय जो चैंटिंग के समय जो जबान जो कंटिन्यूटी कंटिन्यूएशन में रहती है, अगर आप गाने के दूसरे जो विधा देखेंगे ख्याल है ये, तो वहां पर जबान रुक के जाती है, ऐसा करके जबान को रोक के ऐसा आलाप करते हैं आकार में। ध्रुपद में ते तारानारीनो ये करके गाएंगे, ये जो
ये जो हम इसमें जो ये वर्ण यूज कर रहे हैं, तेता रहना रीरे रहना, जो बीज मंत्र है, उसकी सहायता से हम राग का विस्तार कर रहे हैं। ये जबान क्यों चल रही है? ये जबान चल रही है वो चैंटिंग जो जहां से सामगान से जो परंपरा आई है वो यहाँ पर कायम है। आलाप में भी यही चीज आपको जोड़ में भी मिलेगी और यही चीज आपको झाले में भी मिलेगी कि हम इतना फास्ट झाला करते हैं लेकिन जबान रुकती नहीं है। जबान ये नहीं करते हम लोग, तेता रहना रीरे रहना ना ये करेंगे। तो वो जबान वो चैंटिंग का जो साम गान का साम चैंटिंग जो होती थी वहां का ये प्रभाव अभी तक ये आप देखेंगे आने का हो, चाहे हमारे आज उसी शिद्दत के साथ बिहार घराना भी है, दरभंगा घराना जिसको बोलते हैं, वो लोग भी गाते हैं, वो लोग भी इसी परंपरा को मेंटेन करते हैं। तो ये परंपरा आज ध्रुपद के कोई भी गायक हो, कोई भी घराना हो, वो सारे लोग इस चीज को मेंटेन करते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो एक प्रोग्रेस धीरे होते 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 हम आज यहाँ तक पहुंचे, तो बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हैं। पहले समय के साथ पहले सिर्फ मंदिरों में होता था, फिर वो धीरे धीरे मंदिरों में से बाहर आया, राजे राजवाड़ों में पहुंचा, दरबारों में पहुंचा, फिर उससे धीरे धीरे आते आते बाप जैसे देख रहे हैं कि आज स्टेज पे हो रहा है। तो उसमें उन सब ट्रांजिशन को फॉलो करते हुए अलग अलग उस समय के आर्ट फॉर्म कलाकारों का, खास करके उन लोगों ने उन रूट्स को कैसे इवॉल्व करा, उसमें कैसे अपना को डेवलप किया, तो हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी उस पे और एवोल्यूशन होता गया। अच्छा उमाकांत जी, एक चीज मतलब आप लोगों ने इतने साल गाया और जोड़ी संगीत के भाइयों की जोड़ी में, जैसा मैंने बीच में कहा भी था कि बहुत प्रतिष्ठित जोड़ियों में आप लोग रहे, ऐसा लगता है अभी भी कि जैसे आप जब गा रहे हो कार्यक्रमों में तो लगता है कि रमाकांत जी बगल में बैठे हुए हैं और वो भी आपके साथ स्वर लगा रहे हैं? आप देखिए रमाकांत तो बगल में ही है, रमाकांत नहीं तो रमाकांत का अंश है ना, तो आई फील मैं तो अनुभव करता हूं कि रमाकांत मेरी बगल में ही है अनंत के रूप में। कैसे याद करते हैं उनको आप? भाई देखिए याद इस तरीके से करते हैं कि जितना साथ था भगवान ने, जितना साथ दिया था उतना देना थी दोनों भाई से, ईश्वर ने हमसे लिया और जितना उनको करवाना था हमसे, भाइयों की बात कर रहा हूं मैं, तो उतना हम दोनों भाइयों से उन्होंने करवाया और अब ईश्वर की इच्छा है कि अब हम दोनों करें तो अब हम दोनों करेंगे। तो मैं तो इसको इसी तरीके से लेता हूं कि ईश्वर की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। उनकी इच्छा जब तब तक हम दोनों, मैं उमाकांत और रमाकांत ने किया, अब उसकी इच्छा है कि अब उमाकांत और अनंत करें तो हम करेंगे। इस सकारात्मक मोड़ पर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, लेकिन पंडित जी एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि बस जाते जाते कुछ और गुनगुनाते हुए जाइए, तो ये संगीत की महक से ही इंटरव्यू खत्म भी होगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी ये शिवरात्रि का समय, मतलब परसों ही शिवरात्रि थी, तो एक शिव स्तुति से हम जो है वो समापन करते हैं। तो ये शिव स्तुति है, एक पद हम लोगों ने बनाया है, डम डम डमरू बाजे, ये जो है ये सुलताल में है और राग बैरागी भैरव में है ये बंदिश, तो इससे हम लोग समापन करेंगे। Na na na.
शिव ओंकार नाद शिव ओंकार नाद तब ब्रह्मांड व्यापे डम 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 रुबाज डम 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 रुबाज भस्मांगर माय भस्मांगर माय चंद्र ललाट साज चंद्र ललाट साज हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव गंग जटा विराज डम 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 रुबाज डम 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 रुबाज शिव तांडव नाच शिव तांडव नाच शिव ओंकार नाद शिव ओंकार नाद तब ब्रह्मांड व्यापे डम 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 रुबाज डम 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 रुबाज डम 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 रुबाज राग बैरागी भैरव की इस बंदिश के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत विस्तार से बातचीत हुई, ध्रुपद को समझा हमने और साथ ही साथ बहुत अच्छा संगीत सुनने को भी मिला। और जो हर चीज का एक आउटकम होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बहुत बहुत साफ तौर पर कहा कि ध्रुपद का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो डॉक्टर इंजीनियर या वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं वो लोग भी सीख रहे हैं। ये लगन रहे लोगों में सीखने की और गुरु के तौर पर तो आप हैं ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी एक बार फिर से। नमस्कार। अनंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं भी आपको। हमें बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके रागिरी के माध्यम से आपकी जनता तक पहुंचने के लिए और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे और काम करते रहें और कलाकारों को जनता से मिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपसे बात करके उतनी खुशी हो रही है और ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ, नया हमारे लिए भी मौका है कि हम आपके माध्यम से जो है श्रोताओं तक, एक बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले श्रोताओं तक हम पहुंच रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।